हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अनसीन पैसेज के बारे में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिनको करने के पश्चात कोई भी विद्यार्थी, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा में आने वाले 10 नंबर के अनसीन पैसेज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएगा। आप सिर्फ जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुने और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यदि आपने ये वीडियो अंत तक पूरी देखी तो आप हरियाणा बोर्ड में आने वाले अनसीन पैसेज के 10 मार्क्स को बिना किसी दिक्कत के ले पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये मेरे पास एक सेट है, 10th क्लास का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 10वीं क्लास का, उसका सेट मेरे पास ए सेट है और इस ए सेट में अनसीन पैसेज दिया हुआ है। और इस अनसीन पैसेज को हम कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ना तो अनसीन पैसेज पढ़ना है और ना ही आपको उसकी हिंदी के बारे में कुछ सोचना। आपको हिंदी आती हो या न आती हो, आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, डजेंट मैटर, आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो भी आप किसी भी अनसीन पैसेज को हल कर पाएंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ये जो अनसीन पैसेज दिखाई दे रहा है, आपको सबसे पहले इसके क्वेश्चन पे जाना है। सबसे पहले जैसा कि इसमें दिखाया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ के देखना है। इसमें क्या लिखा है, हु इज प्रेजेंट DGP ऑफ हरियाणा पुलिस। क्वेश्चन नंबर 1, हु इसको छोड़ देना है क्योंकि ये कॉमन वर्ड है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर जो मेन शब्द है, जो मुख्य शब्द है, उनको देखना है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट ये मेन शब्द है, DGP मेन है, ऑफ मेन नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, हरियाणा पुलिस ये मेन है। आपको इसके अंदर जो चार मेन वर्ड हैं, प्रेजेंट, DGP, हरियाणा पुलिस, ये शब्द पकड़ने हैं और ये शब्द आपको अपने अनसीन पैसेज में ढूंढने हैं। जहां किस लाइन में ये शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, वो लाइन ढूंढो और उसी लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे अब हम ढूंढते हैं इस पैसेज में हमारा प्रेजेंट DGP शब्द कहाँ है। आप देखिए किस जगह से, हाँ हम देख लेते हैं, ये देखिए ये शब्द है प्रेजेंट DGP, इसका मतलब, और ये हरियाणा पुलिस ये भी आपको मिल गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही है और फुल स्टॉप तक, जहाँ ये वाक्य समाप्त होता है, जहाँ फुल स्टॉप लगता है और जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वहाँ तक हमारा ये उत्तर है। जैसे प्रेजेंट DGP ऑफ हरियाणा पुलिस इज, इसका ये जो नाम लिखा हुआ है PK अग्रवाल, यहाँ ये हमारा जो है आंसर बनता है। तो इस तरह से यदि आपको इंग्लिश पढ़नी आए या ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसके मुख्य शब्द पहचानने हैं। इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है वेहर, वेहर को छोड़ दीजिए, इज को भी छोड़ दीजिए, वेयर इज स्टेट पुलिस, स्टेट पुलिस को पकड़िए क्योंकि ये एक मुख्य शब्द है, ये मेन वर्ड है। हेडक्वार्टर ये भी मेन वर्ड है और लोकेटेड, स्टेट पुलिस, हेडक्वार्टर्स, लोकेटेड, ये चार मुख्य शब्द पकड़ लीजिए और ये आपको अपने अनसीन पैसेज में ढूंढने हैं। देखिए कहाँ मिलते हैं आपको, और अब देखते हैं हम अपने अनसीन पैसेज में ये शब्द अपने को कहाँ मिलते हैं, स्टेट पुलिस, हेडक्वार्टर्स, लोकेटेड। तो हम देखते हैं, ये देखिए आपको कहाँ, ये देखिए ये आ गया, स्टेट पुलिस, हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन सेक्टर 6 पंचकुला। तो यहाँ तक जो फुल स्टॉप लगा हुआ है यहाँ तक अपना आंसर बन जाता है। आपको हिंदी आए या ना आए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये मुख्य वर्ड जो है वो आपको मिला के देखने हैं और आपको कुछ नहीं करना। इसी तरह अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द टोटल
अब यहाँ पर देखिए व्हाट जो है ये कॉमन वर्ड है, इसको हमने नहीं देखना है, इज को भी नहीं देखना है, हमने देखना है ये जो मेन शब्द है टोटल हेड काउंट ऑफ, छोड़ दीजिए द पर्सनल, ये आपको पकड़ना है, और वर्किंग इन हरियाणा पुलिस एट प्रेजेंट, ये वर्ड जो मेन वर्ड है हमें अपने पैसेज में ढूंढने हैं कहाँ में मिलते हैं। तो देखिए टोटल हेड काउंट सबसे पहले देखिए कहाँ है, हम अपने पैसेज में जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ढूंढने के लिए। तो यहाँ तक हमने कर लिया था पंचकुला तक, और उसके तुरंत बाद देखो हमें ये मिल रहा है टोटल हेड काउंट्स ऑफ द पर्सनल वर्किंग इन हरियाणा पुलिस एट प्रेजेंट। यहाँ तो हमारा क्वेश्चन था ही, और उसके बाद इज लगा के इसने इसकी संख्या को बता दिया कि भाई इतने टोटल हेड काउंट्स हैं हमारे पर्सनल जो वर्किंग कर रहे हैं हरियाणा पुलिस में। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बनता है, और ये फुल स्टॉप तक हमारा आंसर बन गया, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर को पढ़िए। हाउ मैनी बैटालियंस आर फाउंड इन हरियाणा आर्म्ड पुलिस। आपको ये शब्द पढ़ने आए या नहीं आए कोई बात नहीं है, तो आपने इसमें सिर्फ मुख्य शब्दों को ढूंढना है। हाउ मैनी इनको छोड़ दीजिए, ये मुख्य शब्द नहीं है, यहाँ मुख्य जो शब्द है वो बैटालियंस आर भी मुख्य नहीं है, छोड़ दीजिए। फाउंड, फाउंड को ले लीजिए, उसके बाद इन, ये भी मेन नहीं है, हरियाणा आर्म्ड पुलिस ये मुख्य वर्ड है। तो हमने सबसे पहले बैटालियंस फाउंड हरियाणा आर्म्ड पुलिस, ये जो मेन वर्ड है ये अब हम अपने पैसेज में ढूंढते हैं हमें कहाँ मिलते हैं। देखिए हाँ ये यहाँ तक हमने कर लिया, इसके तुरंत बाद इस लाइन में देखिए ये देखो हरियाणा आर्म्ड पुलिस ये शब्द हमें यहाँ मिल गए हैं। हैज़ फाइव बैटालियंस, इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ तक है। तो यहाँ तक हमारा जो है आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर फोर का। तो इस तरह से हमने देखा कि हम बिना किसी प्रकार की दिक्कत के, हमें इंग्लिश पढ़नी आए या ना आए, ये पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में मुख्य शब्दों को पकड़ना है, जो मुख्य जो वर्ड है क्वेश्चन में वो आपको ढूंढने हैं, जहाँ पैसेज में आपको मिले आप उसको पकड़ के और उसी लाइन को आप अपना आंसर बना देंगे, और वहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर एक का आंसर, एक लिख सकते हैं, जैसे ये आपका एक है तो यहाँ आप एक लिख देंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो दो था उसमें जो मुख्य वर्ड आपके जहाँ आए उसको आप जो है नोट करके, जैसे हमारा ये दो था तो आप इसके ऊपर दो लिख देंगे। और थर्ड जो है ये आपका इस तरह से यहाँ से जो थर्ड शुरू हुआ था तो आप उसके ऊपर थर्ड लिख देंगे, ये हमारा यहाँ तक जो है वो थर्ड था। और फोर्थ जो आंसर जो हमारा था वो भी यहीं मिल गया हमारा, यहाँ से शुरू हो रहा है। इस तरह से आप इनको नोट कर लेना, और नोट करने के पश्चात आप अपनी आंसर बुक में, जैसे आपने क्या करना है, लिखा आपने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर वन का आंसर, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर जो क्या है हमने यहाँ से उठा दिया, और क्योंकि हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं अब अपने को ज़्यादा जो है कठिनाई नहीं होगी, यहाँ से उठा के सीधा आपने लिख दिया। उसके बाद आपने लिखा क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर टू और लिखा आंसर, और अब अपने यहाँ से उठाया क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर जो है वो हमने यहाँ से उठाया और लिख दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीन लिखेंगे, उसका आंसर भी हमने यहाँ से उठाया और यहाँ लिख दिया, और इस तरह से हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया, और हमारे पूरे के पूरे जो फाइव मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे हमने ले लिए हैं। इसी तरह से एक और पैसेज आता है पाँच नंबर का, उसको भी आप आसानी से यही तरीका अपना कर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम देखना चाहें हमने वही नियम अपनाना है, हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करेंगे, हमने अनसीन पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमने सिर्फ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ना है, उसमें जो मेन वर्ड है, जैसे ये मेन वर्ड हम देखते हैं क्या है, व्हेन वॉज सुमित अंतिल बोर्न, व्हेन भी मेन नहीं है, वॉज भी मेन नहीं है, सुमित अंतिल और बोर्न ये तीन वर्ड जो है वो मेन है, ये हम ढूंढते हैं कहाँ हैं। अब ये देखिए
पैसेज में सुमित अंतिल हम ढूंढेंगे तो देखो सुमित अंतिल ये यहाँ मिल गया और बोर्न शब्द भी हमें मिल गया है। तो इस तरह से फर्स्ट लाइन में हमें अपना आंसर मिल गया है और फुल स्टॉप तक जो ये जहाँ फुल स्टॉप समाप्त हो रहा है यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो जाएगा। इसी नियम को फॉलो करके आप सभी क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी हिंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने एनशिन पैसेज के क्वेश्चन में जो मेन वर्ड है उनको ढूंढना है और उनको देख के अपने क्वेश्चन आंसर में उसका मिलान करके आपको आंसर ढूंढना है और वो आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से आप यदि इन नियमों का फॉलो करेंगे, यदि आप इस तरह से इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप 10 के 10 मार्क बड़ी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। थैंक्स टू ऑल।